तो दोस्तों आज हम बात करेंगे LG के 2023 के ड्यूल इन्वर्टर ACs के बारे में, और बात करेंगे उसके टॉप रीजंस के बारे में क्यों हमें LG का AC लेना चाहिए। फर्स्ट रीज़न जो आता है वो आता है LG का AI ड्यूल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी दे रखी है इसके अंदर। ड्यूल इन्वर्टर में ये रहेगा, इसमें 2 लीटर का कंप्रेसर दे रखा है जो कि ज़्यादा गैस पंप करता है। जितनी ज़्यादा गैस पंप होगी उतनी जल्दी कूलिंग होगी, तो ये ड्यूल इन्वर्टर की टेक्नोलॉजी में आता है। सेकेंड रीज़न जो आता है वो आता है AI कन्वर्टेबल 6-in-1। AI कन्वर्टेबल में रहता है आप अपने 1.5 टन के AC का 1.5, 1.2, 0.9 और 0.5 टन का भी बना सकते हो, प्लस आप अपने AC को बढ़ा सकते हो 1.7 टन तक भी। इसमें इसके अलावा इसमें आपको एक एडिशनल मोड दे रखा होगा AI का। AI के अंदर ये रहेगा, जैसे आप अपने AC के रिमोट के अंदर AI के बटन को प्रेस करेंगे तो आपका AC आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले मोड पर चला जाएगा। उसके बाद में आपको रिमोट का हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटो मोड पर आपका पूरा का पूरा AC काम करेगा। थर्ड रीज़न जो दे रखा है वो आपको दे रखा है विराट मोड। लास्ट ईयर LG के जितने भी AC थे वो 6-in-1 कन्वर्टेबल, उस पर आप अपने AC को 1.7 टन के लिए सिर्फ 90 मिनट्स के लिए चला सकते थे, पर इस बार जो LG का AC आएगा उसमें आपको एक विराट मोड का बटन एक एडिशनल दे रखा होगा। जैसे आप उसको प्रेस करेंगे आप अपने AC को 1.7 टन पर अनलिमिटेड टाइम के लिए चला सकते हो। मतलब इसमें इस बार कोई टाइम का आपको नहीं दे रखा है पीरियड, आप अनलिमिटेड 1.7 टन पर भी कन्वर्ट करके चला सकते हो। फोर्थ रीज़न जो दे रखा है वो दे रखा है म्यूट फीचर। म्यूट फीचर में ये रहेगा, आपको रिमोट के अंदर एक एडिशनल बटन दे रखा होगा म्यूट का, जैसे आप उसको प्रेस कर दोगे आपका AC पूरा साइलेंट मोड पे चला जाएगा। नॉर्मली आप जब टेम्परेचर चेंज करते हो तो आपको बीप की आवाज़ आती है, पर म्यूट को बटन को दबाने के बाद में इसमें किसी तरह का कोई बीप की आवाज़ नहीं आएगी, बिल्कुल साइलेंट मोड पर चला जाएगा। फिफ्थ रीज़न जो आएगा वो आएगा आपका 4-way swing। LG के जितने भी 5-star है इसमें आपको 4-way swing मिलेंगे, अप डाउन लेफ्ट राइट चारों साइड के आपको स्विंग दे रखे हैं। सिक्स रीज़न जो आपको दे रखा है वो दे रखा है ADC सेंसर्स। इस AC के अंदर आपको एम्बियंट डिस्चार्ज और कंडेंसर सेंसर भी दे रखा है। सेवन्थ रीज़न जो आएगा वो आएगा HT फिल्टर्स विथ एंटीवायरस प्रोटेक्शन। HT फिल्टर विथ एंटीवायरस प्रोटेक्शन इसलिए कहता हूँ दोस्तों, जो इसका जो ऊपर का फिल्टर आएगा उसके ऊपर कंपनी ने कैटेनिक सिल्वर आयरिंग की कोटिंग कर रखी है, जो रूम की एयर को स्टेलाइज करेगा, जिससे एयर के अंदर बैक्टीरिया वायरस वगैरह बिल्कुल नहीं रहेंगे। एट्थ रीज़न जो आएगा वो आएगा हाईग्रूट कॉपर। तो दोस्तों जो इसकी इंडोर टू आउटडोर कनेक्टिविटी के लिए आपको जो कॉपर ट्यूब्स दे रखी है उसके अंदर कंपनी ने ग्रूट बना रखे हैं, जिसका प्लस पॉइंट ये है पाइप के अंदर गैस का ठहराव रहेगा। जितनी ज़्यादा पाइप के अंदर गैस का ठहराव रहेगा उतनी जल्दी कूलिंग होगी, तो ये हाईग्रूट कॉपर के साथ में भी आएगा। नाइन्थ रीज़न जो आएगा वो आएगा ऑटो क्लीन का। ऑटो क्लीन में ये रहेगा, आपको इसके रिमोट के अंदर एक ऑटो क्लीन का बटन दे रखा होगा, जैसे आप उसको प्रेस करोगे आप AC यूज़ करने के बाद आपका AC 2 मिनट तक आपका जो AC का ब्लोअर है वो चलता रहेगा और ब्लोअर को ड्राई कर देगा, जिससे नेक्स्ट टाइम आप कभी भी उसे यूज़ करेंगे तो आपके AC के अंदर किसी तरह की बैड स्मेल नहीं आएगी। 10th रीज़न जो आएगा वो आएगी इसके रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट जो LG यूज़ करता है वो R32 करता है, जो कि इको फ्रेंडली दे रखी है। इसके अलावा इसमें 11th रीज़न जो आपको दे रखा है वो दे रखा है आपको ओशन ब्लैक फिन्स जो इसका आउटडोर आता है, जो इसका आउटडोर के अंदर आपको कॉपर कंडेंसर दे रखा है, उसकी जो फिन्स है उसके ऊपर भी कंपनी ने कोटिंग कर रखी है एक एंटी कोरोसिव की, जिसका प्लस पॉइंट ये है कि वो रस्ट फ्री रहेगा, रस्ट वगैरह नहीं होगा, उसमें गैस के लीकेज वगैरह भी नहीं होंगे। 12th रीज़न जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 100% कॉपर ट्यूब विद ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन। 100% कॉपर ट्यूब इसके साथ में जो आपको इंडोर टू आउटडोर कनेक्टिविटी के लिए जो कॉपर ट्यूब्स मिलती है वो आपको 100% कॉपर की मिलेगी विद ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन। ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन दोस्तों जो इसका इंडोर और आउटडोर होता है उसके जो फिलेन ट्यूब्स के जॉइंट्स होते हैं, कंपनी ने उसके ऊपर भी कोटिंग कर रखी है एंटी कोरोसिव की, जिससे जो इसके जॉइंट्स हैं वहाँ पर लीक नहीं होंगे, गैस के लीकेज नहीं होंगे। 13th रीज़न जो आता है वो आता है गैस का लो डिटेक्शन। जिस टाइम भी आपके AC के अंदर गैस लीकेज हो रहा है उसी टाइम भी आपको इंडिकेट कर देगा, जिस टाइम आपके AC के अंदर 60% गैस बचेगी उस टाइम डिस्प्ले के अंदर CH38 का एरर आ जाएगा, आपको उसी टाइम गैस रिफिलिंग करानी है, अदरवाइज आपको कोई भी कहे तो आपको गैस रिफिलिंग नहीं करानी है। 14th रीज़न जो आएगा वो आएगा स्मार्ट डायग्नोसिस। स्मार्ट डायग्नोसिस में कंपनी ने हर एक प्रॉब्लम पर एक बीप सेट कर रखी है। अगर आपको अपने AC के अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम लगती है तो आपको रिमोट के अंदर एक स्मार्ट डायग्नोसिस का बटन दे रखा है, आपको उसको प्रेस करना है। जैसे आप उसे प्रेस करेंगे आपके AC के अंदर अगर किसी भी तरह की दिक्कत है तो वहाँ से एक बीप की आवाज़ आएगी। कॉल सेंटर पर आप जिस टाइम कॉल लॉक करेंगे तो वहाँ पर जो आगे कस्टमर केयर वाला होगा उसको आपको ये सिर्फ ट्यून सुनानी है, वो वहीं से सेंस कर लेगा इसके अंदर क्या दिक्कत है। जो इंजीनियर आएगा वो पूरा प्रिपेयर होकर आएगा, उसको पता होगा आपके AC के अंदर क्या दिक्कत है और एक बार में उसको रिपेयर करके जाएगा। 15th रीज़न जो आता है वो आता है स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन। तो LG के जितने भी ड्यूअल इन्वर्टर AC उसके अंदर आपको स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको 120 से 290 वॉट्स की रेंज दे रखी, तो स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन के साथ में भी आएगा। 16th रीज़न जो आएगा वो आएगा वारंटी। वारंटी में ये रहेगा, जो LG का AC आएगा उस पर आपको 10 ईयर कंप्रेसर इंक्लूडेड गैस चार्ज।
10 सालों के अंदर किसी कारण से आपका कंप्रेसर खराब हो जाता है, उस केस के अंदर कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कैश भर के देगी। 5 ईयर आपको पीसीपी वारंटी दे रखी है और 1 ईयर आपको कंप्लीट दे रखी है, जिसके अंदर आपको 2 सर्विस भी दे रखी है। इसके अलावा जितने भी 2023 के मॉडल हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उनके मॉडल नंबर और लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।